वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति की दुनिया में स्वागत है। यहाँ जाने के लिए रेडी। जैसा कि बर्थडे पार्टी जस्ट खत्म हुआ है 25 तारीख को, और बस 26 तारीख को आज भैया भाभी का एनिवर्सरी है। और हम लोग सोचे चलो आज ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करें जल्दी। जैसा कि अभी शादी सीजन है तो सब लोग का एनिवर्सरी होगा या शादी होगा, तो बस एनिवर्सरी है आज 26 नवंबर को। तो हम लोग दोनों को होगा रेडी, और हम लोग अभी जा रहे हैं 16 सेक्टर 16 बारबेक्यू बुक है। सो यह वहाँ पे 8 बजे का टाइम है। सो हम लोग बस रेडी हो गए हैं पार्टी में जाने के लिए। तो ये है मेरा आज का सिंपल सोबर लुक, एंड बस ऑन द वे हो जाएंगे हम लोग। और आप लोग बस ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू, आप लोग के साथ आज हम शेयर करने वाले हैं ब्लॉगिंग। तो फटाफट चलिए, चलो चलते चले। तो बस खाना पीना बस वहीं पे होगा, और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या तैयारी है, कौन कौन से कौन लोग जा रहे हैं, वो सब लोग वहाँ पे देखने के लिए आप लोग ब्लॉग में मिलेगा। हमेशा ब्लॉग में देखते हुए भैया भाभी को, उन्हीं का आज एनिवर्सरी है। सामने ले लिए बस, अब घर से निकल रहे हैं, तो चलिए फटाफट ब्लॉग में बने रहिए और लाइट को करते हैं ऑफ। और आई होप आप लोग इंजॉय करेंगे। और मेरा रूम अभी भी सजा हुआ है, तो मैं छोड़ दी थी कि अभी जब तक बलून चले तब तक रखें। और लाइट को करते हैं ऑफ और चलते हैं, चलिए फटाफट। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच गए मैकडोनल्ड्स में, और यही बारबेक्यू बुक हुआ है। तो बस हम लोग गाड़ी से उतर रहे और भैया जो वाइट कलर के स्वेटर पहने हैं उनके एनिवर्सरी है। सो यहाँ पे सब लोग आ चुके हैं, बस अब सब लोग बैठ रहे हैं। तो इनके फैमिली मेंबर में ही घर के ही खुद 2 भाभी हैं, 3-4 बच्चे हैं, तो घर के ही 10-15 लोग हैं, और बाकी उनके फ्रेंड्स हैं जो कि सब लोग बैठ रहे हैं। स्टार्ट का वेट हो रहा है, सो गाइस फाइनली सब लोग आ गए हैं। अपने 3 टेबल बुक हुआ था तो सब लोग अब बैठ गए, बस स्टार्टर स्टार्ट है। तो यहाँ जैसे कि बारबेक्यू में वेज नॉन वेज का हम लोग पहले से के एनिवर्सरी पे आए हुए हैं। इधर पहले से बैठे मुझे भाई बैठी हुई है, बस पार्टी चल रही है बारबेक्यू में, नॉन स्टॉप नॉन वेज और वेज लेते रहिए गर्मा गर्म। और ये देखिए गोलगप्पा किसका किसका खा रहे थे, ऐसे खाने गोलगप्पा, मुंह में पानी किसका किसका आ रहा है गोलगप्पा। सबसे पहले ये उठा लिए, एक भैया को खिलाइए, एक भैया को खिलाइए पहले। ये देखिए आ गए,
जैसे कि मिठाई के बदला गोलगप्पा से मुँह मीठा कीजिए। ये बहुत करा है थोड़ा, इतने दिक्कत हो रहा है आपको ना, थोड़ा सा ये सूजी वाला दिया है। तो बारबी क्यूब में नॉनवेज मिलता है, खाने तो जाना, खाने डिस्टर्ब मत करो, ठीक है? मैं जाना कि वीडियो ओपन करके डिस्टर्ब करती हो। चिकन खाकर के दोनों कल लग, मतलब बोल भी नहीं पा रहे। बाबी किसके बारे में बताइए? बोला नहीं, अनलिमिटेड खाना है। अनलिमिटेड खाना है, अनलिमिटेड में लोग लगे हैं, पूरे प्लेट भरा भरा। बारबेक्यू में बस लोग ना फूड को एंजॉय करने आते, बाकी कुछ नहीं एंजॉय नहीं होता। इतना ज़्यादा फूड अवेलेबल रहता है, लोग बुकिंग एक ही बार चार्ज ले लेते हैं। आप खाओ भी तो भी चार्ज लगेगा, नहीं भी खाओ तो लगेगा, तो लोग खाने पर टूट पड़ते हैं। और बस ये सबका पसंद भी रहता है। भैया के आज एनिवर्सरी में कितने लोग विश कर रहे हैं, कमेंट में सबका विश आना चाहिए। हैप्पी एनिवर्सरी। ये देखिए, जब से आए जब से बारबी क्यों कैसे यही खा रहे हैं। आप दोनों का जोड़ी भी अच्छा लग रहा है आज, सबसे बेस्ट कपल आप लोग लग रहे हैं आज। भैया मेरे स्वामी जी मेरे को खिलाने के पीछे भाग रहे थे। भैया भाभी का बर्थडे विश करवा रहे हैं, एनिवर्सरी अपने तरफ से। हैप्पी बर्थडे गुड़िया एंड प्रणेश। हैप्पी बर्थडे नहीं, एनिवर्सरी। थैंक यू। देवर जी है जो बहुत शर्माते, कैमरे में आना नहीं चाहते। अरे भैया का एनिवर्सरी तो कुछ करिए आप लोग। आंटी को एनिवर्सरी कैसे लगा पार्टी में आके? कुछ खा नहीं पाए। क्यों नहीं कुछ खा पाए? नॉन वेज नहीं खाते, उसमें इतना मैंने खा लिया कि अब मजा आया। लेकिन स्टार्टर खाने तुमको ये चीज़ खाए? क्या नाम हुआ तुम दोनों का? अच्छा क्या की हो इसमें? मजे में चल रहा है भैया भाभी। थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी टू मामा एंड मामी। थैंक यू।
किसका एनिवर्सरी है? वाओ, नाम भी याद है क्यूटी को। थैंक यू, थैंक यू। किसका एनिवर्सरी है बताओ? थैंक यू। Yeah.
होगा, सब ग्रुप फोटो होगा। बस बाय बाय टाटा होंगे ग्रुप फोटो होके। तो सब लोग का मिलन हो रहा है, कितने लोग आ रहे हैं। हम लोग अब गाड़ी में बैठ के हैं, अब घर जा रहे हैं। बस पार्टी में जाएंगे क्या हम लोग का। सालो कितना क्लास तुम अभी फेस लाइन छोटा दो दो पीली है। अरे इतना ज्यादा मना कर रहे थे, मत खाओ ज्यादा, मत खाओ ज्यादा। नहीं बारबी की तना तो फ्री था, अब खाओ चाहे नहीं खाओ पैसा तो जाना ही था, तो इसलिए बहुत खा लिया। तो सब लोग खाया, मतलब पूरा डाइट मेरा खत्म हो गया। मैं सालू का जो है ना ब्लॉग को जितना से ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। आप अपने न्यूज 24 में भी चलवा दीजिए, सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए। ठीक है, थैंक यू। डांस का थोड़ा सा मतलब मेरा गला का बैंड बजने वाला है। दो आइसक्रीम ये खा लिए गला खराब होने के बाद, तीन खा लिए और फीवर। बस मतलब हम लोग दो साल से मतलब नॉनवेज ना के बराबर था, लेकिन आज ऐसा जगह बुकिंग था ना बारबेक्यू में कि वहाँ नॉनवेज ही मतलब खाना ही ऑप्शन था, तो सब लोग मतलब एकदम कमर तू खाना खा लिए। मतलब स्टार्टर ही लोग खाए और स्टार्टर बस। और ये था ना कि इसमें स्पाइसी नहीं था, ऑयली नहीं था, तो लोग ज़्यादा मतलब ड्राई था तो लोग ज़्यादा लेना प्रेफर भी करते हैं। और ये होता है कि आपको नुकसान भी नहीं करता ना, मसाला होता भी नहीं मसाला, क्योंकि आग पे पकाया हुआ था, नुकसान करता भी नहीं। बस हम लोग अब जाएंगे, रात का बस अब 12 बजने वाला है। अपने जितने व्यूअर्स हैं उनको टाटा बाय बाय कर लो। तब तक आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। आई होप आप लोग भी ब्लॉग को एंजॉय किए होंगे, हम कोशिश किएंगे थोड़ा बहुत आप लोगों को। हाँ, अगर आप लोग दिल्ली नोएडा में अगर बारबेक्यू में बुकिंग डालना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है आप लोग के लिए। यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे बारबेक्यू में है, फ्रेंचाइजी है, क्योंकि उसमें क्या है कि अनलिमिटेड खा सकते हो। आपको एक बार बुकिंग चार्ज इतना लेना होगा लग जाएगा, उसके बाद आप 30-40 जितने भी मेम्बर खा सकते हो, उसमें कोई अलग से चार्ज भी नहीं है और नॉन स्टेप आप खा सकते हो। तो ये फ़ायदा है बारबेक्यू का, तो इसलिए हम लोग भैया के फैमिली भी ज़्यादा है, मुश्किल से घर रहा, अच्छा रहा और सब लोग भी इंजॉय किए। तो आई होप आप लोग भी इंजॉय किए होंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो एक बार मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और ये दिन में कैसे सोने हैं।